नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टेड न्यूज। बिहार के कई गैंगस्टर्स की कहानी तो आपने सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको बिहार की एक लेडी गैंगस्टर की कहानी बताएंगे, जिसे किडनैपिंग क्वीन कहा जाता है। इस कुख्यात महिला गैंगस्टर का नाम पूजा पाठक है। पूजा ने अपने आपराधिक जीवन में कई वारदातों को अंजाम दिया। इसके अलावा ये वही पूजा पाठक है जिन्होंने जेल में कुख्यात अपराधी मुकेश पाठक से शादी रचाई थी। वैसे तो बिहार में कई बाहुबली आतंक का पर्याय है, लेकिन पूजा पाठक को भी खौफ का दूसरा नाम कहा गया। पटना में कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही पूजा की मुलाकात कैलाश नाम के शख्स से हुई। कैलाश से दोस्ती होने के बाद पूजा अपराध के धंधे में उतर आई। साल 2013 में पूजा ने अपने साथियों के साथ दो लोगों का अपहरण किया और यहीं से उनका नाम अखबार की सुर्खियों में दर्ज हो गया। साल 2013 में किए गए इस अपहरण में पूजा ने नीरज कुमार नाम के व्यक्ति को फिरौती की रकम लेने के बाद छोड़ा था और गायब हो गई थी। इसके बाद तो पूजा को बिहार में लेडी डॉन के नाम से जाने जाना लगा। इन दोनों वारदातों को जिस तरह से अंजाम दिया गया था, उसे लेकर भी कई सवाल उठे थे। पूजा को गिरफ्तार करने के बाद खुलासा हुआ था कि फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले नीरज को 16 जुलाई 2013 को NH-57 पर बंदूक की नोक पर किडनैप किया गया था। इसके बाद घरवालों से 50,000 की फिरौती मांगी गई थी। जब पैसा लेकर उसके परिजन बुलाए गए थे, जिस जगह पर पहुंचे तभी उसे छोड़ा गया था। ऐसे में पता चल रहा था कि मामले की मास्टरमाइंड वही थी। इस केस में पुलिस ने पूजा के खिलाफ एक मजबूत चार्जशीट तैयार की, जिसके बाद उसे सजा सुनाई गई थी। सजा सुनाए जाने के बाद शिवहर मंडल कारा जेल में पूजा की मुलाकात प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर मुकेश पाठक से हुई। जेल में दोनों को प्यार हो गया, जिसके बाद 14 अक्टूबर 2013 को दोनों की शादी जेल प्रशासन के द्वारा कराई गई थी। लेकिन साल 2015 में 20 जुलाई को मुकेश पाठक जेल से फरार हो गया। इसी दौरान पूजा की तबीयत खराब हुई तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में पता चला कि वो 12 हफ्ते की गर्भवती है। पूजा के जेल में ही गर्भवती की बात सुनते ही जेल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और सवाल खड़ा हुआ कि आखिर कोई महिला कैदी जेल में कैसे गर्भवती हो सकती है। मामला बढ़ने के बाद जेल के कुछ पुलिसकर्मी भी निलंबित कर दिए गए थे। इसके बाद पूजा ने एक बेटी को जन्म दिया। इस समय पूजा परालक थाने में हत्या, अपहरण, रंगदारी रूट सहित करीब 2 दर्जन मामले दर्ज हैं।